नमस्कार फरीदाबाद, मैं दीपा मिश्रा। फिलहाल हम पहुंचे हैं NIT 2 नंबर में, फर्नीचर मार्केट के पास। लिटिल मिलेनियम प्ले स्कूल है और आप देख सकते हैं आज पूरा डेकोरेशन हुआ पड़ा है यहाँ पर, और हेल्थ चेकअप कैंप का यहाँ एक आयोजन किया गया है। और आप देख सकते हैं बहुत ही प्यारी सजावट करी गई है और एक ये सेल्फी पॉइंट भी लगाया गया है I am Doctor करके। छोटे छोटे बच्चे यहाँ आएँ और यहाँ पर अपनी सेल्फी लें। बहुत ही अच्छे तरीके से इसको डेकोरेट किया गया है। छोटे बच्चों के खेलने के लिए झूले वगैरह भी हैं और अंदर आपको बताएंगे क्या खास है इस कैंप में। आप देख सकते हैं बिल्कुल कलरफुल है एकदम, देखने से ही मतलब बच्चों का मन करे यहाँ आने के लिए। हमारे साथ पृथ्वी जी हैं। पृथ्वी जी, आज यहाँ क्या खास हो? मम, यहाँ पे आज बच्चों के लिए हेल्थ चेकअप कैंप ऑर्गेनाइज किया गया है एंड विद कोलैबोरेशन विद मेट्रो हॉस्पिटल सेक्टर 16 फरीदाबाद। बच्चों के लिए और उनके पेरेंट्स? यस, बच्चे एंड पेरेंट्स एंड इवन प्लस 30+ 40+ जो भी पेरेंट्स हैं उनके लिए फ्री में ECG का भी ऑर्गेनाइजेशन है यहाँ पे। नॉर्मली जैसे जाते हैं हेल्थ चेकअप कैंप्स होते हैं वहाँ पर ECG की सुविधा नहीं होती है, एंड फर्स्ट टाइम हम यहाँ पे। कंसल्टेशन चल रहा है और डॉक्टर साहब कंसल्टेशन चल रहा है। कितने पेरेंट्स? अभी कोई 30-40 के आसपास आ गए हैं। क्या नाम सर? मेरे मेट्रो हॉस्पिटल से हूँ, डॉक्टर अमित गुप्ता। जी, किन किन बीमारियों की आज यहाँ जाँच? यहाँ पे हम पेरेंट्स का शुगर, BP और ECG मेनली इन चीज़ों को देख रहे हैं। आजकल जो ये शुगर और BP है ये नॉर्मली 40+ जैसे ही इंसान होता है उसको ज़्यादातर ये बीमारियाँ मतलब अमूमन मुझे लगता है 60-70% पर्सन को हो ही जाती है। क्या खास कारण है उसका? रीज़न है हमारा लाइफ स्टाइल। हम ध्यान नहीं देते, हम अपने काम में लगे रहते हैं। आजकल लाइफ स्टाइल ऐसा हो गया है, इसकी वजह से ये बढ़ रही है दिक्कत। तो हम इस टाइप के कैंप लगा के उनको गाइड करते हैं कि आपको क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, या आप मेडिसिन लेते हैं, कई लोग मेडिसिन भी नहीं लेते। अच्छा, ये चीज़ें ना इतनी बारीक बारीक होती हैं और इनके सिम्टम्स इतने ज़्यादा वैसे नहीं होते कि कोई ध्यान दे, और स्पेशली मतलब अगर थोड़ा सा लो फील होता है BP तो इंसान सोचता है कि थोड़ी सी कमजोरी है और थोड़ा रेस्ट कर लूँ तो सही हो जाए। बिल्कुल सही बात है। तो हम इस टाइप के कैंप लगा के उनको यही अवेयर करते हैं कि क्या दिक्कत उनको हो सकती है, उनको टेस्ट एडवाइस करते हैं, गाइडेंस देते हैं ताकि वो प्रॉपर सही रास्ते पर चलें फिर आगे। तो आप देख सकते हैं और मैम है हमारे साथ। जी मैम नमस्कार। नमस्ते सर। मैम, बच्चों की सेहत के साथ साथ बड़ों की सेहत का भी ध्यान? बिल्कुल, हम दोनों की सेहत का ध्यान रख रहे हैं और लिटिल मिलेनियम की तरफ से हम लोग एक कैंप लगाए, फ्री कैंप है ये सबके लिए और आउटसाइडर्स भी अलाउड है। ऐसा नहीं है कि बस हमारे ही बच्चे हैं इसमें। फरीदाबाद, ये बात गौर करने की है, केवल बच्चों और उनके माता पिता के लिए नहीं है। अभी जैसा बताया जा रहा है आउटसाइडर्स भी, अगर कोई आस पास नज़दीक के लोग इसे देख रहे हैं तो हेल्थ चेकअप कैंप का लाभ उठा सकते हैं। जी हाँ जी, आउटसाइडर्स भी हैं इसमें और काफ़ी पेरेंट हमारे पास आ भी चुके हैं। 38 लगभग अभी हमारे पास पेरेंट आ चुके हैं और पेरेंट जैसे चाइल्ड का भी चेकअप है और पेरेंट का भी है और ECG भी है हमारे पास, तो सारे टेस्ट हो रहे हैं। हाँ जी, सुविधा भी उपलब्ध कराई है। बड़ी बात यह है कि ऑन द स्पॉट ECG सुविधा भी उपलब्ध कराई गई है और आप देख सकते हैं यहाँ बच्चे बैठे हुए हैं चेकअप के लिए और इनका भी हेल्थ चेकअप, बात करेंगे इनसे। मैम क्या नाम? बरखा। बरखा जी कैसा लगता है? नहीं, अच्छा लगता है। खैर, मेरा बेबी पढ़ता है यहीं पे, स्टडी करता है, आता है, वहीं सेटल हो गया था। नो, काफ़ी अच्छा लगता है यहाँ पे, एटमोसफियर बहुत अच्छा है। बच्चों को ट्रीट करना, कैसे करना चाहता है वो सब भी बहुत सही है। क्या नाम आपका? रियान। कैसा लगता है स्कूल में? रियान। रियान, कैसा लगता है आपको स्कूल में? स्कूल बहुत अच्छा लगता है। बहुत अच्छा लगता है। गेम्स खेलने के लिए मिलते हैं? हाँ। कौन सी मैम सबसे अच्छी लगती है? मैम कौन सी अच्छी लगती है आपको? मैम प्यार करती है? डांटती तो नहीं है? ना। अच्छा, नहीं डांटती है मैम। ओ, मम्मा को देंगे देंगे, मम्मा को देंगे। क्या नाम आपका? आरव। आरव कैसा लगता है स्कूल में? बोलो कैसा लगता है? अच्छा। अच्छा लगता है। कौन सी मैम अच्छी लगती है? गुड मॉर्निंग मैम। मैम का नेम बताओ। क्या कह रहे हैं? गोलू मोलू मैम। प्रज्ञा मैम। प्रज्ञा मैम अच्छी लगती हैं। कैसा एक्सपीरियंस है आपका इससे? अच्छा है, बहुत अच्छा है। एटमॉस्फेयर काफ़ी अच्छा है, टीचर्स बहुत अच्छे हैं, स्कूल बहुत अच्छा है। बड़ा इनिशिएटिव लिया है बच्चों के साथ जो पेरेंट्स हैं उनका भी हेल्थ चेकअप कैंप है। अमूमन स्कूलों में बच्चों के हेल्थ चेकअप कैंप्स लगते रहते हैं लेकिन यहाँ पर मतलब मैंने भी पहली बार देखा है कि जो पेरेंट्स हैं उनका भी हेल्थ चेकअप कैंप लगा रहा है और वो भी प्ले स्कूल में। कैसा? अच्छा लग रहा है, काफ़ी अच्छा लग रहा है।
कराया आपने चेक? हाँ जी। कोई दिक्कत निकली? नहीं नहीं, नॉर्मल है सब। नॉर्मल निकला है सब, बढ़िया है, नॉर्मल निकला है। और हमारे साथ डॉक्टर है, क्या नाम डॉक्टर? डॉक्टर सचिन। क्या ज़्यादातर जो ऐसे हेल्थ चेकअप कैंप्स होते हैं उसमें जो पेशेंट कौन सी बीमारियाँ सामने आती हैं? मैक्सिमम छोटे बच्चों में तो वेट गेन ना करने की समस्या रहती है, डेंटल प्रॉब्लम्स हो गई। तो बड़े लोग, आप तो वैसे भी हेल्थ चेकअप कैंप्स में जाते होंगे, जो बड़े लोग आते हैं उनमें कौन सी दिक्कत सामने आती है? ना, मैं डॉक्टर सचिन हूँ, हम बच्चों के डॉक्टर हैं, पीडियाट्रिशियन हैं। तो बच्चों में मोस्ट कॉमनली तो खाना अच्छे से ना खाना, वेट गेन ना करना, डेंटल प्रॉब्लम्स, स्किन रिलेटेड। डेंटल प्रॉब्लम्स सबसे ज़्यादा होती होंगी, खान पान जो है, चॉकलेट वगैरह। हाँ। चॉकलेट खाते हो आप? खाते हैं चॉकलेट? ये बड़ी अच्छी बच्ची है, चॉकलेट नहीं खाती है और बहुत प्यारी बच्ची है। और आगे आपको ये, और स्कूल के बारे में मैम थोड़ा बताएं। स्कूल हमारा जो है प्री क्लासेस हम लेते हैं इसमें, और बाकी हमारा डे केयर भी हम प्रोवाइड करवाते हैं। डे केयर में 7 ईयर्स तक हम बेबी ले लेते हैं, बेबी कॉट्स हैं हमारे पास 2 और 3। हाँ, और हम सेफ्टी का इतना ध्यान रखते हैं कि हमने गैस सिलेंडर वगैरह हम यूज़ नहीं करते हैं, हम जो है इंडक्शन यूज़ करते हैं। और फ्रिज बच्चों के लिए सारी फैसिलिटीज़ हैं हमारे पास, स्विमिंग पूल है, एवरीथिंग हमारे पास अवेलेबल है। पृथ्वी जी एक बार दिखा दें हमें, स्कूल दिखा दें। सर भी कुछ? हाँ जी जी, क्या नाम आपका? विजय, विजय कुमार। विजय जी कैसा लग रहा है इस स्कूल में? सही है, अच्छा है। लास्ट ईयर इसका एडमिशन करवाया था, इस साल भी कंटिन्यू रखा है। पढ़ाई सही है, यहाँ की एक्टिविटीज़ अच्छी करवाते हैं, फंक्शन वगैरह अच्छे होते हैं, सही यहाँ का लर्निंग एक्सपीरियंस अच्छा है हमारा। पेरेंट्स की हेल्थ का भी ध्यान रखते हैं? पेरेंट्स का हेल्थ का भी ध्यान रखते हैं, बच्चों के लिए भी हेल्थ कैंप वगैरह और समर कैंप वगैरह होते रहते हैं सब। अमूमन जो ऐसे हेल्थ चेकअप कैंप्स होते हैं, हम लोग होते हैं छोटी मोटी, जैसे हमें बीपी की प्रॉब्लम होती है तो वैसे नज़रअंदाज कर दिया जाता है। कहीं ना कहीं ये जो हेल्थ चेकअप कैंप्स होते हैं ऐसी छोटी छोटी बीमारियों को बाहर निकाल कर लाते हैं। हाँ सही है, हेल्थ चेकअप कैंप्स होते में जाना चाहिए, और यहाँ पर भी उन्होंने अरेंज करवाया ही है जैसे, तो करवाया है हम लोगों ने भी अपना हेल्थ चेकअप वगैरह, तो बीपी दिक्कत नहीं, कोई दिक्कत नहीं है। ईसीजी भी है यहाँ पर? हाँ जी। और फिलहाल हम पृथ्वी जी के साथ हैं, और ये हमारा एक्टिविटी एरिया है ये पूरा, यहाँ पे मतलब छोटा सा हमने एक स्टेज फॉर्म कर रखा है ताकि बच्चों का स्टेज फियर निकाल पाएं हम। बाकी आप देख सकते हैं यहाँ पे छोटी मोटी, मतलब साल में एक बार नहीं, यहाँ बच्चा रोज स्टेज पे डेली। अगर मैं आपसे पूछूं आप कौन सी उम्र पे स्टेज पे चढ़े होगे तो शायद आप बोलोगे 5th, 8th, 10th, या कई पेरेंट्स हमें बोल देते हैं हम चढ़े ही नहीं थे। तो हम एज अ प्री स्कूल लेवल पे कोशिश करते हैं कि बच्चा डे 1 से ही स्टेज के ऊपर आए, उसका स्टेज फियर निकल पाए और वो कॉन्फिडेंट होकर अपनी लाइफ में आगे बढ़ पाए। बहुत अच्छा ये कॉन्सेप्ट है कि स्टेज फियर निकालने के लिए लगभग डेली इसका इस्तेमाल किया जाए, जिससे अगर कभी बच्चे को एकदम से अच्छा, कई बार होता है बच्चे स्टेज पे जाते हैं तो बिल्कुल चुप हो जाते हैं। ये मैम देखिए, अभी रिसेंट में हमने एनुअल डे करा है, उसका अपना वीडियो चल रहा है, ये हमने APJ स्कूल के कैलिब्रेशन में करा था उनके ऑडिटोरियम में। एक एक बच्चा, मतलब 2 साल से लेकर 6 साल का बच्चा, हर बच्चा यहाँ पे ऑडिटोरियम में स्टेज के ऊपर चढ़ा था। तो यही मोटिव है ताकि बच्चों का फियर निकले, बच्चे खुल के अपने जीवन में आगे बढ़ पाए, एकदम कॉन्फिडेंट रहें बच्चे, वही है। और ये शायद क्लासरूम है? ये क्लासेस नहीं लग रही हैं, बच्चे ऐसे हेल्थ चेकअप के लिए आए हैं तो ऐसे एंजॉय कर रहे हैं। और क्या था? स्विमिंग पूल भी बता रहे थे है? हाँ, एक छोटा सा हमने स्विमिंग पूल भी फॉर्म कर रखा है, यहीं से आप देख सकते हैं। बच्चों के लिए स्विमिंग पूल भी है, बड़े होकर सीखने जाते हैं, हमें तो बड़े होकर सीखने को मिला, लेकिन यहाँ छोटे एक्टिविटीज कर सकते हैं। ये नहीं कहेंगे हम कि प्रॉपर स्विमिंग सिखा रहे हैं, बट ये एक्टिविटीज मतलब बच्चों के लिए तो स्विमिंग पूल भी एक फियर निकालने का वो है। कई बच्चों को फोबिया हो जाता है, पूल्स को देखने में डर लग जाता है, तो वो भी बच्चों का यहीं निकल जाता है डर। तो आप देख सकते हैं बच्चों की एक एक छोटी से छोटी एक्टिविटी को ध्यान में रखते हुए डेली जो स्टेज पर ले जाने का उनका प्रोसेस है उसको भी यहाँ ध्यान में रखा गया है, ताकि स्टेज पर जाने का जो फियर है वो निकल जाए। और आप डेकोरेशन देख सकते हैं बच्चों के लिए कितने यूनिक कॉन्सेप्ट है, कि जो बच्चा ज़्यादातर क्या होता है, कभी कभी बच्चे को कुछ याद नहीं होता तो वो छत की तरफ देखता है, और यहाँ छत पर ही ABCD लिखकर लगाई गई है, सो दैट बच्चा अगर ऊपर भी देख रहा है तो उसको दिखे और वो लेटर्स को रिकॉग्नाइज करे। और डेकोरेशन के साथ लगाई गई है जिससे बच्चे का इंटरेस्ट उसमें बना रहे। और आप देख सकते हैं ये हमारा यूनिक करिकुलम है, 7 पेटल करिकुलम जिसको हम बोलते हैं,
ये बोर्ड के ऊपर पूरा करिकुलम हमारा रिप्रेजेंट हो रखा है। दिखा दें, कॉग्निटिव डेवलपमेंट है, फाइन मोटर डेवलपमेंट है, लैंग्वेज डेवलपमेंट है, ग्रॉस मोटर डेवलपमेंट है, डिफरेंट डिफरेंट पर्सपेक्टिव पे बच्चे की ग्रोथ के ऊपर हम फोकस करते हैं। आप इस क्लास में यूनिक आइडियाज ले रखे हैं। आप देखिए ABCD को भी बड़े अच्छे तरीके से पिक्टोरियल फॉर्म में यहाँ पर वॉल पर लगा दिया गया है। किताब खोलने की बच्चे को जरूरत नहीं है, बच्चा जो देखता है वो ज़्यादा सीखता है और विजुअलाइज कर चीज़ों को यहाँ पर दिखाया। इस वाली क्लास में आप देख सकते हैं कि हमारी हर मंथ थीम चेंज होती है, तो इस मंथ जैसे हमारी माईसेल्फ की थीम है तो बच्चों के लिए माईसेल्फ का पूरा बोर्ड फॉर्म करा गया है यहाँ पे। ये बच्चों की क्लास है जिसमें आज कैंप लग रहा है, डॉक्टर साहब बैठे हुए हैं, बट दिस इज द क्लासरूम फॉर द किड्स। दीज आर द टैम मटेरियल्स, टीचिंग एंड मटेरियल जिसको हम बोलते हैं, ये डे टू डे बच्चे की लाइफ में यूज होते हैं। बेसिक पर्पस हमारा ये नहीं है कि पेन पेंसिल है, बच्चे को बस लिखना सिखाना है। मतलब लोगों को यही सोच में होता है प्ले स्कूल जाने का मतलब है बच्चा बैठना सीख जाए, बच्चा पेंसिल पकड़ना सीख जाए। यस यस मैम, बट हम उस पर भी फोकस नहीं करते कि बच्चे को सिर्फ पेंसिल पकड़नी ही सिखानी है। यस मैम, आपको सिग्नेचर करने नहीं आते, आज की डेट में OTP चल रहा है, टेक्नोलॉजी मूव कर चुकी है, तो उसी उस पर देखते हुए हमने मतलब बच्चों के लिए डेली नई नई एक्टिविटीज़, डेली नई नई एक्टिविटीज़ वो फॉर्म करते हैं बच्चे का, ना कि ब्रेन की डेवलपमेंट हुई। फॉरेन कंट्रीज़ में कहा जाता है लिखना तो लगभग बंद ही हो चुका है और ज़्यादातर विजुलाइज पर जोर दिया जा रहा है। मैं ये भी नहीं कहूँगा, हमारे यहाँ स्क्रीन टाइम भी नहीं है, हम स्क्रीन्स नहीं यूज़ करते, इवन हम कोशिश करते हैं कि व्हाट्सएप वगैरह में मैसेज कम करें, हम एल्मनैक ही यूज़ करें ताकि कम से कम पेरेंट का बैग के साथ टच बना रहे। नहीं तो मम्मा क्या करती है, बस मोबाइल देखा, ये हुआ, बैग में डाल दिया, काम खत्म। वी ट्राई कि हम एल्मनैक यूज़ करें, स्क्रीन टाइम रिड्यूस करने के लिए हम बहुत बहुत एफर्ट्स करते हैं। हाँ, क्योंकि अगर पेरेंट्स ही ऐसे यूज़ करेंगे तो बच्चों में वो आदत शुरू से ही आ जाएगी, और इसी वजह से जैसा कह रहे हैं कि स्क्रीन टाइम को रिड्यूस करने की कोशिश करी जाती है बार बार। और यहाँ आप देख सकते हैं अभी भी पेशेंट्स आ रहे हैं, लगातार आ रहे हैं और हेल्थ चेकअप का लाभ उठा रहे हैं। और फरीदाबाद, आपको बता दें एक प्रॉपर एड्रेस आप बता दें। मैम, इट्स 2E15BP NIT फरीदाबाद, अपोजिट जाट संस्था। TE15BP NIT फरीदाबाद, अपोजिट जाट संस्था, प्याली चौक के पास जाट संस्था, उसके मेन गेट के बिल्कुल अपोजिट ही। तो फरीदाबाद आप देख सकते हैं यहाँ पर हेल्थ चेकअप कैंप लगा हुआ है, बच्चों का है और उनके पेरेंट्स का है, और सबसे बड़ी बात ये आउटसाइडर्स के लिए भी फ्री ऑफ कॉस्ट है। आप यहाँ आ सकते हैं, इस हेल्थ चेकअप कैंप का लाभ ले सकते हैं और ECG की भी सुविधा है यहाँ पर, जोड़ेंगे आपको ऐसी अनमेथफुड जी। अपने बच्चे के लिए 2 to 6 ईयर्स के लिए एडमिशन्स भी हमारे ओपन है, उसके लिए भी आ सकते हैं। एडमिशन्स ओपन हो चुके हैं इस स्कूल में, अगर आपके घर में भी कोई छोटा बच्चा है और आप नियर बाय एडमिशन कराना चाहते हैं तो आप एक बार इस स्कूल को ज़रूर विजिट करें और यहाँ का माहौल देखें और फिर डिसाइड करें। जोड़ेंगे आपको ऐसी अनमहत्वपूर्ण खबरों के साथ। बहुत बहुत धन्यवाद।